हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। तो भैया पहले ही बता दे रहा हूँ मैं, ये वीडियो हमारे GDS भाई लोग के लिए है जो काफ़ी कंफ्यूजन में है। उनको पता नहीं कि भाई क्या ट्रांसफ़र आया है कि नहीं आया है, कैसे करना है ट्रांसफ़र। तो ये स्पेशली ये वीडियो भाई GDS ट्रांसफ़र के ऊपर ही मैं बना रहा हूँ। तो इसको पूरा देखिए, आपको पूरा प्रोसेस और कब तक आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी और कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सारा बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो भैया GDS ट्रांसफ़र का आ चुका है नोटिफिकेशन, 31 अगस्त को ही आ गया था। और मैं सोच रहा था भाई चलो भाई इस पर वीडियो बना देते हैं तो काफ़ी लोगों को थोड़ा पता चल जाएगा कि भाई आ चुका है ट्रांसफ़र। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। और मेरे फ़ोन में आ चुका है नोटिफिकेशन, तो ये देखिए एक एक चीज़ आपको मैं पढ़ कर बता देता हूँ कि कब से क्या करना है, क्या क्या होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है भाई वैकेंसी अपडेशन बाई डिवीज़न और यूनिट। तो भाई जो वैकेंसी है जो ट्रांसफ़र लिस्ट में उसमें वैकेंट सीट दिखाई जाएगी, तो डिवीज़न के इंस्पेक्टर से और SPO से पूछा गया है। तो उसका डेट है भैया 1 से 9 सितंबर। अभी मैं इस वीडियो में ये लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। 1 से 9 सितंबर तक डिवीज़न इंस्पेक्टर और SPO वहाँ पे वैकेंसी बताएंगे कि भाई ये सीट है, तो वो लिस्ट में आएगी। फिर उसके बाद से है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाई द GDS एप्लीकेंट सीकिंग ट्रांसफ़र। जो GDS अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो वो अपना ट्रांसफ़र 10 से 18 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। 10 तो 1 से 9 तारीख तक वो लोग सीट देंगे कि कौन कौन सी जगह खाली है। उसके बाद से 10 तारीख से आपको शो करने लगा कि ये सीट खाली है, तो उस सीट पे आप अप्लाई कर सकते हैं 10 से 18 तारीख तक। उसमें आप काफ़ी लंबा दिन है, 8 दिन का समय है, तो उसमें आप आराम से कर सकते हैं, अप्लाई करेंगे। उसके बाद से क्या, वन टाइम मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड बाई कैंडिडेट। तो जो कैंडिडेट फॉर्म सबमिट कर चुके हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं फिर अगर कोई गलती हो गई है तो। उसका डेट है भाई 19 से 20 सितंबर, 2 दिन का समय रहेगा आपको। आप अपना कुछ भी एडिट करना चाहेंगे तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद से वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट्स बाय द डिवीज़न। अब भाई देखो 20 तारीख के बाद से क्या, 21 से लेकर 24 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डिवीज़न के द्वारा। फिर उसके बाद से है ऑनलाइन लिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र अप्रूव्ड बाय फर्स्ट लिस्ट। तो जो भाई 27 तारीख को फर्स्ट लिस्ट आ जाएगी आपकी, जो लोग अप्लाई किए रहेंगे ट्रांसफ़र में, जो फर्स्ट लिस्ट है वो 27 सितंबर को आ जाएगा। उसके बाद से क्या भाई, रिसीविंग ऑफ GDS टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट फर्स्ट कैंडिडेट। तो जो भी GDS है जिनका भी नाम आ चुका रहेगा वो 15 अक्टूबर तक भाई वो अपने वो जगह पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। 15 लास्ट डेट है, उससे पहले कई डिवीज़न में उससे पहले ही ज्वाइन करा देंगे, लेकिन 15 तक हर हाल में लोग सभी लोग उसको ज्वाइन करा देंगे। फिर भाई ऑनलाइन लिस्ट ऑफ ट्रांसफ़र अप्रूव टू सेकेंड लिस्ट। सेकेंड लिस्ट भाई 17 अक्टूबर को आएगी, फिर 17 अक्टूबर को सेकेंड लिस्ट भी इसका आएगा, देख लीजिए आप, इसमें भी सेकेंड लिस्ट आ रही है। उसके बाद से है रिलीविंग द GDS टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट सेकेंड लिस्ट। और भाई जिसका सेकेंड लिस्ट में जिसका नाम आएगा वो 31 अक्टूबर तक वो लोग भी ज्वाइन कर लेंगे अपने अपने जगह पे। तो मतलब पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखा दूँ, मतलब जब से आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप 10 से 18 सितंबर तक हैं, और अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आप 15 अक्टूबर तक, आप 1 महीने के अंदर आप अगर अप्लाई किए हैं आपका नाम आ गया है तो आप उस जगह पर जाकर ज्वाइन कर लेंगे। 1 महीने में आप अगर आपके नाम आ गया तो आप 1 महीने के अंदर वहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। और भाई जिसका सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा वो भाई 31 अक्टूबर तक वो ज्वाइन कर पाएगा, वही करीब 1.5 महीने के आसपास में सेकेंड लिस्ट वालों को, जिसका सेकेंड लिस्ट में नाम आएगा उसको 1.5 महीने के अंदर हर हाल में ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो भैया कुछ क्योरी लोग की हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भाई देखो 1 साल के अंदर किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है अगर वो किसी अदर स्टेट में या फिर अदर डिवीज़न में कराना चाहते हो तो। भाई किसी का नहीं हो सकता है रूल के हिसाब से देखा जाए तो। बाकी आप सेमी डिवीज़न के अंदर हो तो आपका एडजस्टमेंट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई जगह खाली है तो वहाँ पर इंस्पेक्टर या फिर
एसपीओ चाहेगा तो आपका एडजस्टमेंट वहाँ पे करा सकता है या फिर हो सकता है, लेकिन भाई एक साल के अंदर किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा भाई। ये बात ध्यान करके सुन लो यार, बहुत लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम पे पूछते रहते हैं, कमेंट पर पूछते हैं भाई मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा एक साल के अंदर या नहीं हो पाएगा। तो भैया एक साल के अंदर किसी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और रही बात कि अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं सभी लोगों को रिप्लाई करता हूँ। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।